वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन फोर, फाइंड 15% ऑफ 250। देखिए 15% का मतलब है कि 15 जो है परसेंट, यानी 100 में से 15 है, ठीक है। 15 में 15 है, 15 टू 100, 100 में से 15 है, यानी 15/100 है ये, तो 15/100 है, 100 में से 15 है, तो 250 से कितना होगा, ये है, ठीक है। ये शून्य से शून्य कट गया आपका, इसको आपने काट दिया 3 से, तो 5 से इसको काट दिया, तो ये 5 से काटा तो 3 हो गया और ये हो गया 2, तो 3 × 25/2, या हम कह सकते हैं कि 75/2, ये हो गया 37.5। बी में क्या है, 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर 1% कितने का है, 100 का, 100 में से 1, ठीक है, यानी 1/100। अब 1 आवर का क्या 1% होगा, अब आवर्स का जो गिनते हैं उसको हम गिनते हैं, 1 आवर = 60 मिनट्स और 1 मिनट = 60 सेकंड। पहले उसको सिमिलर क्वांटिटी में, देखिए क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए आपको सिमिलर बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब परसेंट तो ये परसेंट तो है, ये संख्या में, आवर्स जो है इसका जो क्वांटिटी होती है आवर की, वो हंड्रेड्स में नहीं होती है, वो सिक्सटीज में होती है, यानी 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हमको पहले निकालना है कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 1 आवर में कितने हो गए, 1 आवर = 60 × 60, ठीक है। तो 1 आवर = इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 3600 सेकंड, ठीक है। 1 आवर, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटा का 1% कितना होगा, तो 3600 का 1% कितना होगा, ठीक है। तो क्या है, 1 कितने में से, 100 में से, तो 3600 में से कितना, 1 is out of 100, तो what is 1% of 3600, इसको काट दिया हमने, तो 1 × 36 यानी 36 सेकंड, ठीक है। 1% of 1 hour is 36 सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सी में क्या है, 20% of 2500 रुपीज, ठीक है, 2500 रुपीज का 20% कितना होगा, तो 20% यानी 20 out of 100, 100 में से 20 है, तो 2500 से कितना होगा, 2500 से कितना होगा, कंपेरेबल क्वांटिटी है, ठीक है, ये रुपीज है और ये इसका 20% निकालना है, इसका 20% सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए हमको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग, ये 20 से 20 कट गया, तो ये हो गया 20 × 25, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया। 20% of 2500 is 500, 500 हो गया। 20% 2500 का, 2500 का 20% 500 हो गया। 75% of 1 kg, अब देखिए वैसे तो क्या है, 1 kg का हम कहेंगे तो 0.75 हो जाएगा सीधा, लेकिन कैसे निकालेंगे, ये केजी जो है इसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास में एक निश्चित संख्या आए। तो देखिए 75% है कितने में से, 100 में से, 100 में से 75 है, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg = 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होता है, तो हम करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 20 कट गए, तो 75 × 10 यानी 750 क्या है, ग्राम, 750 ग्राम होंगे, 75% of 1 kg, 75% of 1 kg is 750 ग्राम, ठीक है। 1 किलो का 75% जो है 750 ग्राम होगा,
क्लियर। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है और ये आपका इसका हिंदी में दिया हुआ है। आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लियर कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।